बसमिल वरह वक्लबा तालिबात इस्लामियात जमात पंजम के लेक्चर में खुश आमदेद प्यारे बच्चों आज हम यूनिट नंबर टू पॉइंट टू जो कि नबूवत और औरत रसूल सल्ला वसाब वसम से मतलब सबक़ है इसकी मश्क पढ़ने जा रहे हैं आइए आगाज़ करते हैं हासिलतेम से कुरु सन्नत की रोशनी में अक़ीद ख़तम नब के माना वफ़हम और अहमियत को समझ सकें वाला अलैहि वाल वब वसल्लम को हमेशा के लिए आखिरी नबी और रसूल जानते और मानते हुए ये समझ लें कि आपके बाद क़्यामत तक कोई नबी या रसूल मबूस नहीं होगा इत रसूल सल्ला वबाब वसलम और सन्नत नबी के मफहम से वाक़ हो जाएँ अल्लाह ताली के अहकाम की अमली सूरत को आप सल्ला वबल्म के उवाय हसना की मिसालों से समझ सकें सन्नत नबवी की अहमियत और शर हसीत को जान सकें हज़रत मोहम्मद रसोल्ला ख़ातनबीन सल वबलम के उसवा हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदियाँ ढाल सकें प्यारे बच्चों जैसे ही आप सफ़ा नंबर तेईस पर इस सबक का अखता करेंगे जहनी आज़माइश के से पढ़ना सुनना और बोलना के नवान पर मुश्तमिल चंद सवाल होंगे बाद सवालों के जवाब आपने ज़ुबानी देने होते हैं जबकि बाद के, के जवाब आपने तहरीरी अंदाज में देने होते हैं लिख कर देने होते हैं ऐसे सवाल जिनके जवाब आपने, जवाग आपने लिखने के बाद देने होते हैं उनमें खाली जगह पुर करना सवालों के मुख्तर और तफसीली जवाब देना वगैरह के सवाल शामिल होते हैं प्यारे बच्चों सरगर्मियाँ भी एक्सरसाइज़ यानी मश्क में शामिल की जाती हैं ताकि आप बच्चे इन सरगर्मियों की बदौलत सबक को मजीद बेहतर अंदाज में समझ सकें और आप बच्चे सबक के मतलब मज़द अहम मालूम भी हासिल कर सकें अजीज़ तलबा तलबात रहनमाय हर सबक में इसम की रहनमाई के लिए शामिल किए जाते हैं उस कराम अगर इन रहन असूलों को मद्द रखते हुए तलबा वालिबात को जेवर तालीम से आरास्ता करें तो यकी तलीमो तल्लम का यह हमल मज़ीद मुफी तर होता चला जाएगा हर सबक में घर का काम भी आप बच्चों के लिए शामिल किया जाता है यह घर का काम आप बच्चों ने इसाम से लेना है और फिर उनकी रहनमाई में और अपने वालदान से वालद की रहनमाई में इस घर के काम को घरों से मुकमल करके लाना है याद रखें सरगर्मियों में से अक्सर आप कमरा जमात में मुकम्मल करते हैं जबकि घर का काम आप घरों में जाकर वालदे की मदद से मुकम्मल करते हैं अमली मनसूबा भी हर सबक में शामिल किया जाता है इस अमली मनसूबे की बदौलत आप बच्चे कोई ऐसा मनसूबा कर सकते हैं कोई ऐसा अमली काम सर अंजाम दे सकते हैं जो सबक से मुतल हो और जिसकी वजह से मुस्तबल में अमली ज़िंदगी में आप अमली कामों में शमूलियत के काबिल हो जाते हैं तो यूँ गोया हम इस्लामिया को पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करने की प्रैक्टिकली कोशिश भी करते हैं अगर आप बच्चे मजीद इसी मौजू पर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हों तो आपकी सहूलत के लिए किताब में हर सब, हर सबक के अख्ताम पर चंद लिंक्स भी दर्ज कर दिए जाते हैं जिनकी रोशनी में जिन तरफ रसाई हासिल करते हुए आप बच्चे सबक के ऊवान के मुतल मज़ीद मालूम भी हासिल कर सकते हैं कोई तहरीर पढ़ सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं कोई लेक्चर सुन सकते हैं जो कि आपके इल में यकी इजाफे का सबब होगा तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की हलशुदा मश्क़ आज हमने इस सबक की मशक़ हल की कल हम नए सबक का आगाज़ करेंगे इन श्ला अज्जल प्यारे बच्चों वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलत और आसानी के लिए इसी लेक्चर की सॉल्व एक्सरसाइज यानी हलशुदा मश्क डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के जरिए दी गई है आप बच्चे वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसकी रहनुमाई में अपनी मशक़ को हल भी कर सकते हैं इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए इन शजीज मुलाकात होगी कल के लेक्चर में अल्लाह करीम हम सब कहाँ में नासर हो अल्लाह हाफिज़